नमस्कार, स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम ने आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुलायम के पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता के निधन की जानकारी दी। मुलायम के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित राजनीति के कई दिग्गज हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया। मुलायम के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। नेताजी के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को समाजवादी राजनीति का शहंशाह कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मुलायम ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एकत्रित किया। यूपी में यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे मुलायम 3 बार मुख्यमंत्री बने। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो उन्होंने पुत्र अखिलेश यादव को आगे कर दिया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। जनता दल टूटने के बाद 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली। मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मुलायम ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर कार सेवा भी रुकवा दी थी। भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक तौर पर भुनाया। मुलायम को मौलाना मुलायम सिंह यादव की संज्ञा दी गई, लेकिन मुलायम देश की राजनीति में भाजपा विरोध का झंडा बुलंद करते रहे। आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। राजनीति में उनकी अमिट छाप बनी रहेगी।